अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज ज़बरदस्त डिश के साथ हाजिर, चलिए रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने हाफ के जी मैदा लिया है जी। इसके अंदर से मैंने 2 चम्मच मैदे को निकाल लिया है, ठीक है। इसका बताएंगे हमने इसका क्या करना है आगे जाके। बाकी मैदे में हमने क्या किया जी, 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है और 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिए हैं घी के। ऑयल नहीं डालना, की ऐड करना है। इसको फिर अपने हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर दें, ठीक है। आप चाहे तो आप स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, पर हाथ से मिक्स करने का अपना ही मज़ा है, ठीक है। तो तब तक इसको मिक्स करना है जब तक ये मुट्ठी में इसको मटेरियल डालो और ये क्या कहते हैं इसका गोला सना बन जाए, ठीक है। तो अगर गोला नहीं बना इसका मतलब कि आपके इस मटेरियल में घी कम है। देखिए मैंने 1 चम्मच और की ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये जो कुकिंग है ना किचन की, होम मेड कुकिंग बहुत इजी होती है, आप लोग आराम से कर सकते हो कुकिंग, ठीक है। कोई मसला नहीं होता, बस आप लोग थोड़ी सी टेंशन जा रहते हो और बस हाथ से मंगवा लेते हो। ऐसा ना किया करें, घर में बनाया करें। आज मैंने ना इसको बनाने से पहले मैंने एक पैक ना बनाया था अपने लिए, क्योंकि तो मौसम चेंज हो रहा है, तो मैंने कहा चलिए आपको भी टिप दे दूँ। फेस के लिए मैंने पैक बनाया था। उसके लिए मैंने क्या किया, घर की मैंने जो क्रीम होती है जिसको हम भलाई कहते हैं, वो मैंने ली 1 चम्मच, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी, ठीक है। और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने क्या कहते हैं एलोवेरा जेल मेरे पास घर में पड़ी थी, वो मैंने ऐड कर दी। इसको अच्छी तरह मिक्स किया और मैंने फिर इसको फेस पर लगा लिया 15 मिनट के लिए। आपने ये लाजमी इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको बताया, तो इससे आपका जो चेहरा है लुक है, चेहरे की ग्लो माशाल्लाह ज़बरदस्त हो जाएगी, चेहरा नीट हो जाएगा और मुलायम हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने अच्छी तरह गूंद लिया इस आटे को। तो देख मैंने थोड़ा सा इसमें टोटल मैंने 3 चम्मच घी के डाले, फिर हल्का नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंद लिया। इसको 30 मिनट रखेंगे, ठीक है। ये साइड में रख दिया। ये जो 2 चम्मच मैंने मैदा निकाला है इसके अंदर हमने घी ऐड कर देना है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। ये हमने लोई इसकी बनानी है, ठीक है। अच्छी तरह इसकी लोई बनानी, मेरे पास घी थोड़ा सा ना रूम टेम्परेचर में था, मैंने इसको मेल्ट नहीं किया हुआ था, इसके अंदर थोड़े थोड़े पीस नजर आ रहे हैं। और जो मैंने आपको फेस पैक आपको बताया ना, वो आपने लाजमी आपने करना, ठीक है। उसको मुझे बताना है आपको कैसा लगा। ये फेस पैक होते हैं ये बड़े अच्छे होते हैं, बजाय ये कि आप बाहर जाएं पार्लर में जाके फेशियल वगैरह करें, तो आप घर में यूज़ किया करें घर की चीज़ों से। घर में अल्लाह का शुक्र है आपके घर में हर एक चीज़ होती है, एलोवेरा जेल भी होती है, ओलि ऑयल भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। ये देखिए मैंने आलू लिए हैं जी, 1/2 kg मेरे पास पड़े थे। इसके अंदर मैंने 3-4 चिकन के पीस ले लिए हैं और इसको बॉयल कर लिए हैं। बॉयल करते हुए मैंने 2 चम्मच सिरका और 1 चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया था। जब बॉयल हो गए इसको मैंने अच्छी तरह इसको पीस लिया। इसके बाद मैंने 1 चम्मच धड़ा मिर्च डाली है और 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च ऐड किया है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आपके पास सोया सॉस है वो भी ऐड कर सकते, मेरे पास नहीं था तो मैंने फटाफट इसको मिक्स कर दिया जी। कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने, कुकिंग बहुत इजी है, आप चाहो तो बड़ा कुछ बन सकता है अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन का प्रेस करें, जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस करें, ठीक है। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होती है, हम लोग बेचारों को हौसला मिल जाता है। ये बिल्कुल फ्री होता है, आपका क्या जाना है एक लाइक से। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है। तो ये जो मैंने मटेरियल बनाया था उसको अदारा कर लिए। ये जो मैंने आटा गूंदा था इसको 30 मिनट हो गए हैं, तो इसके बाद इसको 2 हिस्से कर लेना है, ठीक है। तो इसको 2 हिस्से करके तो फिर हमने इसको बेलना, रोल बनाना है। रोल बना के इसके छोटे छोटे पेड़े कर लेने हैं, ठीक है। तो बड़ा आसान है जी ये, हम पैटिस बनाने में आपको बता देती हूँ। ये मैं आज पैटिस बना रही हूँ, बड़े ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत ईजी पैटिस हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी क्या कहते हैं लोइयाँ बड़ी ज़बरदस्त बनेगी घर में, हम बनाएंगे, ठीक है। बहुत इजी इसके पफ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले मैं इसको फ्राई करूँगी, ठीक है। बेक नहीं करनी इस दफ़ा,
ये अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई से बड़े ज़बरदस्त बनते हैं पैटीज। ये पफ पेस्ट्री बना रही हूँ, ठीक है। वो पफ पेस्ट्री बड़ी मुश्किल के लोग बनाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है जी उसके लिए जी। बटर लो जी इतना सारा और मैदे के अंदर डाल के उसको ये करो वो करो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने बड़े आसान तरीके से घर में जो आपके पास चीज़ें उससे मैंने बनाए सिखाई हैं। इसकी मैंने ये देखिए मैंने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। इसके हमें छोटी छोटी रोटी बना ली नहीं, पर हमने रोटी बारीक बनानी है। कोशिश करनी कि हमारी रोटी बारीक बने, ठीक है। तो इसकी हमने रोटी इसकी बारीक बना देनी है, सारी रोटियाँ बना के रख देनी है। तो हमने भी रोटी ले ली एक साथ, ठीक है। तो आपको बस ऐसे ही आप करते जाएँ और बहुत ही आसान है, और दूसरी पढ़ते जाएँ आपको पता भी नहीं चलना, आपका काम भी हो जाएगा और घर में बरकत लहरा दोषी की। ये माशाल्लाह रबीउल का महीना है, पाक महीना है। अल्लाह मियाँ सबकी दुआएं कबूल फरमाए, अल्लाह मियाँ सबकी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह ताला सबके रास्ते खोले, कारोबार सबके कारोबार जो लोग कारोबार करते हैं उनके कारोबार ठीक करे, जिनको हम बेटे की ज़रूरत है अल्लाह ताला उनको बेटा दे, और जिनके जिनको बेटी की ज़रूरत अल्लाह ताला उसको बेटियाँ दे। ये देखे मैंने क्या किया जी, मैंने एक एक करके सारी रोटी डाल दी है, और पहले एक रोटी के अंदर मैंने थोड़ा सा ये जो लोई बनाई वो डाल दी, फिर इसके ऊपर खुश्क आटा लगाया और फिर इसके अंदर रोटी डाली, फिर इसके अंदर मैंने लोई लगाई, फिर खुश्क आटा लगाया, फिर रोटी भी इसी तरह मैंने 7-8 रोटी एक साथ की, और लास्ट रोटी के ऊपर भी मैंने लोई लगाई और आटा लगाया, फिर इसको रोल कर दिया, फिर इसके हमने पेड़े बना लेने 1, 2, 3, ठीक है। और मैंने 4 इसके पेड़े बना लिए, इसी तरह मैं सारे बना के रखूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये सारे इसके इसके जो बाल हैं इसके जो से हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको बेलूँगी अब, ठीक है। अब हमने खुश्क आटा नहीं लगाना, पहले हमने खुश्क आटा जितना लगाना था लगा लिया, अब हमने क्या करना है इसको बेल देना। तो अब हम इसके अंदर मटीरियल ऐड करेंगे, जो हमने चिकन और आलू का मटीरियल ऐड किया है, सॉरी जो हमने चिकन और आलू का मटेरियल बनाया ना वो हम लोग ऐड करेंगे। आप इसमें ओनली चिकन का भी ऐड कर सकते हैं और ओनली आलू का भी ऐड कर सकते हो, और आपके पास वेजिटेबल हो वो भी ऐड कर सकते हैं। और एक और बात, आपके पास बचा हुआ जो सालन वो भी उसके अंदर ऐड कर सकते हो, जैसे गोभी आलू होता है, कोई भी चीज़ पड़ी है ना उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, फिर भी बड़े मज़े के बनेंगे ये पैटीज, ठीक है। तो ये लोही है थोड़ी सी किनारों में लगाएंगे ताकि इसकी नुकड़ें और अच्छी तरह बंद हो जाएं। तो बड़े ज़बरदस्त ये पैटीज बने थे, मेरे बच्चों ने स्नैक टाइम में खाए थे, और साथ उन्होंने क्या किया, साथ उन्होंने हम लोगों ने चाय पी थी, उन्होंने अकेले ही खाए थे, ठीक है। बड़े मज़े से वो तो हैरान हो गए, मुझे कहते क्या बनाए, मैंने कहा चस्का बना रही हूँ, तो वो हैरान हो गए, कहते चस्का क्या होता है। तो ये देखिए मैंने कांटे के साथ इसको अच्छी तरह इसकी नुकड़ों को और अच्छी तरह प्रेस कर दिया, ये देखे कि हमारे बन चुके हैं इतने ज़बरदस्त। मैंने 3-4 किस्म की शेप दी है, जो मुझे जल्दी थी क्योंकि रात का टाइम था, लाइट बार बार जा रही है, माजर मेरी वीडियो में इतनी लाइट नहीं है क्योंकि लाइट चली गई थी, इसी रिंग लाइट ऑन नहीं हो सकी, तो इसके लिए माजर पर मेरी वीडियो मैंने कोशिश की कि आपको अच्छी तरह मैं बता सकूँ और समझा सकूँ दिखा सकूँ, और बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेके आती हूँ। बाय मेरी मानी, आप मेरी वीडियो को जरूर देखा करें, बगैर देखे ना जाया करें, पूरी वीडियो देखें तो आपको मेरी वीडियो बड़ी अच्छी लगेगी, मेरी कुकिंग बड़ी अच्छी लगेगी और घरेलू कुकिंग लगेगी, कोई आर्टिफिशियल कुकिंग नहीं है। ये देखिए मैंने ऑयल को मैंने पहले गर्म कर लिया था अच्छी तरह, ठीक है। तो मैंने इसको एक एक करके इसके अंदर पैटीज डाल दी हैं, इसी तरह हम लोग इसकी साइड चेंज करेंगे। इसको हमने अब पहले घी को अच्छी तरह गर्म किया, इसके अंदर पैटीज डाले, फिर हमने हल्की आँच में ना लो टू मीडियम आँच में इसको पकाया ताकि अंदर तक गल जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ गया, ऐसे हमने इसको 5 मिनट और पकाना है, फिर इसकी साइड चेंज करनी है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, अपने प्यारों तक पहुँचाया करें, और बेल आइकॉन के बटन को दबाएँ, ये जो रेड कलर का बटन आता है इसको दबाएँ अच्छी तरह, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसके साइड 5 मिनट बाद इसको चेंज कर दिया। तो आप लोग मेरे वीडियो में आया करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को, नई नई चीज़ें मिलेंगी। अब मेरा माइंड बन रहा है कि मैं आपको डेली की डेली कोई ना कोई टिप्स बताया करूँ, जैसे मैंने आपको फेस पैक बताया है जो मैंने भी यूज़ किया है, ऐसे नहीं मैंने बताया मैंने यूज़ किया है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। इससे बहुत ग्लो आया था मेरे फेस में, और फेस ऐसा मुलायम हो गया क्योंकि मैंने किसी फंक्शन में जाना था और मेरे ना फेस में खुश्की बहुत थी,
ड्राई बहुत हो गया था फेस में ना, तो मैंने इसको 20 मिनट लगा के रखा, 15 मिनट मैंने इसको लगा के रखा, फिर मैंने इसको नीम गर्म पानी से फेस को मैंने वॉश कर लिया और मैंने कोई बाद में इसको टावर नहीं यूज़ किया, वैसे ही मैंने पानी खुश किया और बाद में देखा तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी थी। तो इसी तरह आप यूज़ करें तो आपने मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना ये वाला फेस पैक आपको कैसा लगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरे ये वाले माशाल्लाह ज़बरदस्त पैड्स तैयार हैं, होममेड पैड तैयार हैं। आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर बनाएंगे और आपको भी मज़ा आएगा। इसको हम आप अपने स्नैक टाइम बच्चों को भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और कोई गेस्ट आपके घर में आएंगे उनको भी फटाफट आप फ्राई करके दे सकते हैं। ये वाले जैसे मैंने आपको बनाए ने सिखाए हैं, आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, इसको 2-3 मंथ फ्रीज भी करके रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, अब मैं इसमें जो बाकी रहेगा वो भी ऐड करूँगी, ठीक है। तो बहुत मज़ा आया था मुझे ये बनाते हुए, तो मैं कह चले मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। मेरे हस्बैंड ने बड़े मज़े से खाए थे, वो बेड में लेटे और कहते क्या बना रही हो, खुशबुएँ बहुत आ रही हैं। तो मैंने कहा चुप कर जाएँ, मुझे बस 10 मिनट बनाने थे, 10 मिनट बाद मैं आपसे मिलूँगी। जब मैं फ्राई करी तब इन्हें खुशबू बहुत आ रही, बच्चे बार बार कह रहे, बच्चे कह रहे समोसे लग रहे हैं, क्या बना रही हूँ, उन्हें नहीं पता था मैं पैड्स बना रही हूँ, क्योंकि मैं पहले बेक करती थी ना पैड्स, इस दफ़ा मैंने फ्राई किए। मैं कहा फ्राई करके देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। ये देखो माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्लाह ताला की शान, माशाल्लाह ज़बरदस्त बने। तो अभी मैं आपके सामने तोड़ूँगी, बहुत ही कमाल के बने थे माशाल्लाह। ये देखें अंदर तक पक चुके हैं और बहुत कमाल के बने हैं, यकीन करें खाने बहुत मज़ेदार थे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इसको खाने में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को आपने शेयर करना है, लाइक करना है, अपने अपनों तक पहुँचाना है। ये आपकी तरफ से प्यार होता है जी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने फिर दोबारा थोड़े से रह गए थे, बाकी मेरे बच्चे ले गए, ये देखें कितने कमाल के बने, ये देखें कितने ज़बरदस्त। और मैं कहती हूँ तोड़ने का भी इतना मज़ा आ रहा था, ठीक है। तो फिर देख फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको मैं जाते जाते ये जरूर कहूँगी जो मैंने फेस पैक बनाया ना उसको आपने लाजमी की तरह ट्राई करना है और मुझे आपने लाजमी बताना, ठीक है। ये मैं आपका वेट करूँगी आपके क्या कहते हैं उसको आपके कमर्स का, ठीक है। तो चलें ठीक है, अभी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, दुआ में याद है ना मुझे लाजमी बताना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, कमर्स करके। ओके जी, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।